हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके तरफ से एक नई वैकेंसी आउट कर दी गई है। और ये नई वैकेंसी कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी दी गई है आप लोगों की। लगभग इसमें मैं आप लोगों को आगे पोस्ट भी दिखाऊंगा, कितना टोटल पोस्ट है, कितना इसका एज है, किसका इसका क्वालिफिकेशन होता है, कैसा इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मैं सारा इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये छोटी मोटी कोई वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है, जो कि ये शेड्यूल टू है। देखिए, शेड्यूल फर्स्ट इससे पहले आ चुका था, जबकि शेड्यूल टू ये वैकेंसी दूसरे टाइम ये वैकेंसी आ गई इस साल की, ये दूसरी वैकेंसी। ठीक है, तो आप लोग पूरा इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैं उस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, फाइनली मैं इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और डेली साइंस के क्लासेस मैं अपलोड क्वेश्चंस अपलोड किया करता हूँ। तो आप लोग जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए चैनल, जो कि वीडियो अपलोड किया जाता है करंट अफेयर्स और साइंस के, वो हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर डेली देखा कीजिएगा और क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि इंडियन गो जो कि आप लोग इस वैकेंसी पे कैसे आप लोग आइएगा, तो आपने गूगल क्रोम ब्राउजर में आप लोग डायरेक्ट टाइप कीजिएगा। क्या टाइप कीजिएगा? टाइप कीजिएगा आप लोग इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, बस इतना टाइप कीजिएगा। उसके बाद आपको पहला ही लिंक दे दिया जाएगा इसका, जो कि इंडियन GDS की तरफ से। और मैं आप लोग बता दूँ ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, तो ये वैकेंसी आई है आप लोग इंडियन पोस्ट की तरफ से आई है। ठीक है, इंडिया पोस्ट जो की है उसकी तरफ से ये वैकेंसी आई है आप लोग की। और ये किसकी किस चीज़ की वैकेंसी है, तो GDS की वैकेंसी है। GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी है। देखिए, GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट, यानी कि GDS मतलब ग्रामीण डाक सेवक की ये वैकेंसी है। और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ टोटल कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब से ही आप लोग ये गूगल में टाइप कीजिएगा इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन, तो ये आपका लिंक देगा, और उस लिंक पे आप लोग फर्स्ट ही लिंक इसी चीज़ का दिखाएगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है नोटिफिकेशन फॉर, देखिए यहाँ पर दिया है ना नोटिफिकेशन फॉर, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, नोटिफिकेशन फॉर GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल टू रिलीज फॉर 30,000। देखिए यहाँ पर दिया है 30,041 पोस्ट फ्रॉम 3 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त, यानी कि जो कि आया है वैकेंसी आपका, टोटल मैं बता दे रहा हूँ आपका 30,040 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी ना, वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है जो आपकी 23 अगस्त, देखिए दिया है तो 23 अगस्त लास्ट डेट है, और आज आपका 19 अगस्त हो चुका है। तो आप लोग जल्द से जल्द जाके ये फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मैं देने में देरी कर दिया हूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाके ये फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस आप लोगों का बहुत सिंपली है, देखिए, और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों को देखना होगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन यहाँ पे दाबेंगे हम लोग, आगे क्लिक करेंगे, आगे अगला आएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड था, मैं फिर भी डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे, देखिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये इंगेजमेंट, देखिए यहाँ पे दिया है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023, देखिए यहाँ पे आया है। और ये टोटल 30,000, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, 30,040 पोस्ट पे वैकेंसी लिख ली है। और देखिए यहाँ पे 3 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद से जो कुछ रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन करते टाइम पे आपसे कोई गलती हो चुकी है, तो आप 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में इसे सुधार भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी यही सब नोटिफिकेशन दिया गया है, स्लैब दिया गया है ये पर यहाँ पर। उसके बाद से आगे नीचे देख लेते हैं और सब क्या क्या दिया गया है। यहाँ ब्रांच पोस्ट जो कि है, पोस्ट मास्टर जो कि है, वो BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, ये दो देखिए ABPM और BPM, इस दो पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है आपके दो कैटेगरी में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से मैं आप लोग बता दूँ कि एज लिमिट की मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से एज लिमिट की बात, 18 से 40 साल के बीच में एज लिमिट होती है इसका। और एज रिलैक्सेशन एज पर बिल, जो कि वो आप लोगों का कैंडिडेट ST SC OBC सबको लिए एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है इसमें देखने को आप लोगों को। देख सकते हैं आप लोग पूरा कंप्लीट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट फॉर फॉर्मेट सर्टिफिकेट है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया ST SC के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल के लिए, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और PWBD दिव्यांगजन में नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और PWBD OBC जो कि दिव्यांगजन में OBC कैटेगरी के लोग, उनको 13 साल के लिए, और दिव्यांगजन में ST SC कैटेगरी के उनको 15 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग।
उसके बाद से आगे मैं नोटिफिकेशन देखा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, देखिए सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि टेंथ बेसिस पे पास या हैविंग पास। मैं उसके बाद से इन मैथमेटिक्स इंग्लिश यानी कि मैथमेटिक और इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हैविंग बिन स्टडी बाई कंपल्सरी, और इसका मतलब इसमें आप लोगों को टेंथ क्लास जो पास है ना आप टेंथ क्लास, इसमें इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद से मैं आगे बता दूँ आप लोगों को आगे का क्या दिया गया है। तो आगे दिया गया है आप लोगों को द अप्लीकेंट शुड हैव सबमिटेड द लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए, जिस भी आप स्टेट से भरे उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आना चाहिए आप लोगों को, बाकी ये सब आपका नॉलेज मांगा गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और सब आगे दिया गया है, और बस यही सब कुछ दिया गया है। उसके बाद से ये सारा आपका कैटेगरी डिसेबिलिटी का ये सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद से सिलेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोग का रखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग द अप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ये सिलेक्शन होगा इसका वैकेंसीज का, ठीक है। तो आप लोग मेरिट लिस्ट की और GDS की वैकेंसी मेरिट लिस्ट के ही अकॉर्डिंग आती है, तो मैं जो कि है आप लोगों का अगर मार्क्स अच्छे हैं तो भी, नहीं अच्छे हैं तो भी भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आगे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि मेरिट लिस्ट पे ही सिलेक्शन होगा इसका, और आगे देख सकते हैं आप लोग ये सारा कुछ मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। आप लोग पॉज करके वीडियो देख अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन का PDF फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इस सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है क्योंकि लास्ट डेट अप्लाई एंड होने के बाद से 10-15 दिन या 20 दिन के बाद से इसका मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा जो बहुत कम टाइम में आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और इस PDF फाइल जो करंट अफेयर चाहे डेली क्लासेस की PDF फाइल होती है, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसकी PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब है, बाकी ये सब एनेक्सर का परफॉर्मा दिया गया है और सब कुछ नहीं है। तो आप लोग अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली करंट अफेयर्स और साइंस की क्लासेस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइंस की क्लासेस की मैं बात करूँ तो रेलवे के साइंस के क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रेलवे में साइंस एक अलग जैसे कि सेक्शन वाइज पूछा जाता है, तो अलग ही 30-35 क्वेश्चन का 20-25 जो भी 30-35 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का एक अलग से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग साइंस का क्वेश्चंस करने के लिए और रेलवे के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं एक रेलवे में खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो मुझे पता है कि किस क्वेश्चन में क्राइटेरिया क्या है उसका है, कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैं सारा अपना एक्सपीरियंस के आधार पर ही क्लासेस लेता हूँ साइंस की। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।